الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله مولانا العظيم قابل قدر بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بدر ہو یا احد ہو یہ دو اسلام کی بڑی جنگیں ہیں ان دو جنگوں سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا ہے ایک سیرت کا طالب علم جس کے خیالات میں پختگی نہیں ہوتی بہت سرسری یہاں سے گزر جاتا ہے اور ان سیرت کے اس پہلو کو اہمیت دے کر کے اجاگر بھی نہیں کیا جاتا کچھ خاص موضوعات ہیں جمعہ میں بیان کرنے والوں کے وہ انہی موضوعات پر سال بھر بیان کرتے رہتے ہیں سیرت کا ہو یا قرآن مجید کا ایک 80 سے 90% حصہ وہ ہے جو امت کے سامنے آتا ہی نہیں ہے مشورے کی ایک خاص اہمیت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا اہتمام کیجیے اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ان کے درمیان یعنی
जो लोग अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारते हैं, ऊपर से उनकी सिफात का तस्करा चल रहा है। 25वें पारे के सूरह शूरा में, सूरत का नाम ही शूरा है, इन लोगों के मामलात बाहमी मशवरे से तय होते हैं। इस जगह हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हम सब के सरदार फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर हदीस की किताबों में लिखा हुआ है और अपने मौजू के एतबार से बहुत ही बामाना। उन्होंने फरमाया, शाविरुल फुकहा अल आबिदीन, कि तुम लोग समझदार, दीन की समझ बूझ रखने वाले और फिर उस मशवरे में वो लोग भी शरीक हों जिस नौईयत का मशवरा हो, उसके माहिरीन उस मशवरे में शरीक हो। शाविरुल फुकहा, फुका के एक मशहूर माने तो ये आते हैं जो कुरान व हदीस में महारत रखते हों, लेकिन इसको अगर आम किया जाए तो उसके माने ये बनते हैं जो मसला जेरे बहस है उसमें महारत रखने वाले अफराद को मशवरे में शरीक किया जाए। और महारत काफ़ी नहीं, मशवरा देने वाला मुखलिस भी हो, इबादत गुजार हो, खुदा परस्त हो। अल आबिदीन कहा गया। मशवरे के बेशुमार मुतअद्दद फवाइद का जिक्र किताबों में लिखा गया है, उसकी एक सरे दस्त बरकत ये होती है कि वो सुन्नत का की इत्तेबा है। मशवरा ये सुन्नत की इत्तेबा है, ये खुद एक नफा है। दूसरे फवाइद हासिल हो या ना हो, सुन्नत की इत्तेबा की तौफीक खुद एक बहुत अजीम नफा है। फिर जब मशवरा किया जाता है आपस में तो साथियों की, जिम्मेदारों की दिलजोई होती है। इससे भी मशवरा किया जा रहा है, इससे भी मशवरा किया जा रहा है, इससे भी पूछा जा रहा है, दिलजोई होती है। सामने वाले का दिल खुलता है, आपस की दूरियां दूर होती हैं। और तीसरा, मशवरा करने से जिस मामले में मशवरा किया जा रहा है उसका हर पहलू सामने आ जाता है, ये मशवरे की बरकत है। ये एक आदमी के जहन में एक पहलू आया, दूसरे आदमी के जहन में एक दूसरा पहलू आया, एक तीसरा आदमी है उसका जहन एक तीसरा पहलू की तरफ मुंतकिल हुआ, तो इस तरह सारे पहलू सामने आ जाते हैं। और उम्मत के जिन अफराद के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है और जिस किस्म की सलाहियत रखी है, हर एक के अंदर अलग किस्म की सलाहियत है और यह तकसीम है अल्लाह की, यह अल्लाह की तकसीम है। और उम्मत के उन सलाहियतों को नजरअंदाज करना यह उनकी हक तलफी है। उम्मत के बासलाहियत लोगों की
सलाहियतों को इस्तेमाल न करना, ये उन अफराद की, उन तबकात की हक तलफी है। आइए एक बात मैं आपको पते की बताता हूं। मैंने कहा ना कि सीरत को लोग एक सरसरी अंदाज से पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते ही नहीं। हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस दर्जे टूट कर मोहब्बत करते हैं, हमारे मिजाज की बेहतदाली बता रहा हूं, उसकी बुराइयां भी हमारे नजर में खूबियां बन जाती हैं, उसकी बुराइयां भी हमारे नजर में खूबियां बन जाती हैं। और जब आदमी किसी को अपनी नजरों से गिरा देता है, उसकी खूबियों को, कमालात को, उसकी सलाहियतों को खातिर में नहीं लाता, नजरअंदाज कर देता है, यह बेतदाली है हमारे मिजाज की। अब आइए उस नबी उम्मी, करोड़ों सलाम हो उस आखिरी नबी पर, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर डालने का फैसला किया है। अभी बिल्कुल इब्तिदा का जमाना है, बहुत गिने चुने अफराद ने इस्लाम कबूल किया है, उनमें से अबू जहल भी है मुखालफत करने वालों में, अबू लहब भी है, उमर इब्ने खत्ताब भी हैं, अभी रजी अल्लाह अनहु नहीं बने थे, उस वक्त की बात है। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं नाम लेकर के, इसलिए कि उस वक्त जो मक्के में जो लोग बासलाहियत थे, काबिल लोग थे, और जिनका दबदबा था, असरो रसूख था, हजरत उमर कोई नबी नहीं थे और अब तक तो साहबी भी नहीं बने थे, तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सोचकर कि यह तो हमारा मुखालिफ है, अरे ये तो हमारा दुश्मन है, अरे ये तो मेरा गद्दार है, यह सोचकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कोई इब्तिदाअन चढ़ाई का फैसला नहीं फरमाया, बल्कि रात में उठकर उनकी हिदायत की दुआ की, इसलिए कि बिला वजह काबिल लोगों से पंजा लेना ये बहुत अकल से गिरी हुई बात है। काबिल लोगों से उस वक्त पंजा लिया जाता है जब बावजूद दुआ के, बावजूद तमाम तदाबीर को इख्तियार करने के, जब वो मुकाबले पर आए तब भाई अब देखा जाएगा अल्लाह की मदद है। हमने सारी तदाबीर को हमने इख्तियार करके हमने अब देख लिया है, अल्लाह से हमने दुआ भी की थी, लेकिन फिर उसके बावजूद ये हमारे मुकाबले में आता है तो फिर अल्लाह के यहां पता नहीं क्या फैसला हुआ है। लेकिन इब्तिदान किसी भी सोसाइटी के काबिल और बासलाहियत आदमी को, जिसके अंदर किसी भी दर्जे की, किसी भी किस्म की सलाहियत हो, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। उसे ऐसे अफराद को नजरअंदाज करना यह सुन्नत के तरीके के खिलाफ बात है। एक बात और बहू आपको मैं, मुझे याद आता है अमीरुल हिंद और इस वक्त जमीयत उलमा हिंद के सदर मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने उनसे हदीस की 3 किताबें पढ़ी हैं, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने अपने तिर्मिजी के सबक में एक हदीस की तशरीह में यह फरमाया था, हर आदमी को अपनी अकल और सामने वाले की दौलत ज्यादा मालूम होती है,
हर आदमी अपने आप को अक्लमंद समझा हुआ, ये इसका सबसे बड़ा धोखा है। जब आदमी अपने आप को अक्लमंद समझ लेता है तो सामने वाले से मशवरे की जरूरत नहीं महसूस करता, यही आकर के उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छे अच्छे बासलाहियत लोगों का बेड़ा जो गर्क हुआ है, वो इस वजह मैं नाम नहीं लेता, वरना मैं नाम भी जानता हूं। यह आम मजमा है, ये कोई खास मौजू पर बुलाई गई मीटिंग नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, ऐसे बासलाहियत लोग जब उन्होंने अपने से बड़े या माशरे के काबिल लोगों को नजरअंदाज कर दिया, मशवरा नहीं किया, तबादला ख्याल ना किया, तो वह उन्होंने ऐसी ठोकर खाई, बहुत देर में संभले, बास तो अब भी नहीं संभल रहे हैं और जमीन में धसे चले जा रहे हैं। जब आदमी अपनी अकल को ज्यादा समझ लेता है तो सामने वाले से मशवरे की जरूरत नहीं महसूस करता, यही उसका धोखा है। बहुत बारीक रास्ते से शैतान आता है। तीसरा, मशवरे में सिर्फ खुदा ना तरस, ऐसे लोगों का शरीक होना जो दीनदार नहीं, जो नमाज के पाबंद नहीं और जो लोग डरते नहीं, मुत्तकी परहेजगार नहीं, सिर्फ फासिक फाजिर किस्म के लोग जमा होकर के मशवरा करना, यह भी मशवरे की बरकतों को खत्म कर देने वाली बात है। इसलिए कि बाज़ फैसले इतने अहम होते हैं, वहां सिर्फ सलाहियत काम नहीं आती, जहां सलाहियतें जवाब दे देती हैं वहां से उसका दरवाजा खुलता है। कुछ ऐसे नेक दिल और साफ दिल, रोशन और मुनव्वर दिल होते हैं, जिन पर ऐसे सख्त हालात में फैसला लेने की सलाहियत इल्का की जाती है। अब मैंने जो मुझे कहना था मशवरे के उन्वान पर, अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैंने कह दिया है। इसीलिए अब इन बातों को सामने रखकर अब दौड़ाइए नजर, जिन लोगों ने मशवरे के इन उमूर का लिहाज किया, अल्लाह ने उनसे काम लिया और बहुत बड़ा काम लिया, और अल्लाह के काम लेने का यही तरीका और यही सुन्नत है कि मिल्लत के दीनदार लोगों को लेकर काम किया जाए, चाहे गरीब हो। मसला गरीबी अमीरी का नहीं है, मसला अल्लाह ताला से मदद हासिल करने और उसके इशारों को समझने की बात है। हर आदमी के अंदर अल्लाह के इशारों को समझने की इस्तेदाद नहीं हुआ करती, यही वो धोखा है कि लोग दुनियावी तालीम को पढ़कर दीनदारों को नजरअंदाज करने का जो खुमियाजा सालों से भुगत रहे हैं और अब भी उनको तौबा करने की तौफीक नहीं हो रही है, यह एक बहुत बड़े खतरनाक मुस्तकबिल का पेश खीमा है। एक बहुत बड़े खतरनाक मुस्तकबिल का पेश खीमा है और अब भी सजदे सहू करने का वक्त बाकी है। और जहां उम्मत के काबिल लोगों को लिया गया मशवरे के लिए और फिर दीनदार लोगों को लेकर के मशवरा किया गया, एक आदमी की अकल कितना काम करेगी, एक आदमी कितना काम करेगा, इतना बड़ा काम पड़ा है, पूरी दुनिया में काम करना है, हर मैदान काम का खुला हुआ है, हजारों लाखों उलमा, हजारों लाखों दीनदार अवाम मिलकर के काम कर रही है, तो भी इस दीन का 10% काम करना मुश्किल हो रहा है। अभी और करोड़ों की तादाद में हमें काबिल और दीनदार अवाम की जरूरत है।
एक आदमी कितना काम करेगा। तो बात वहां से चली थी कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के लिए दुआ फरमाई और यही काम करने वाले और दीन का दर्द रखने वाले का तरीका है कि वो उसकी मुखालफत करने वाले काबिल अफराद को नजरअंदाज भी नहीं करता और उसके लिए दुआ करके मुआफिक बनाने का कोशिश करता, मुआफिक बनाने की। यही सोसाइटी में काम करने का तरीका है। सारे तदाबीर फेल हो गए तो फिर उसके बाद इस मामले को आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह के हवाले कर दीजिए, लेकिन इब्तदान मुखालिफ को मुखालिफ समझकर उसे नजरअंदाज करना, उसके लिए दुआ का एहतमाम ना कर। बताइए हमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की है? क्या मैं पूछ सकता हूं आपको, क्या आप में से कोई ऐसा है जो रात में उठकर अपने बच्चों बीवियों दोस्तों के लिए नहीं, अपने दुश्मनों के लिए कभी हिदायत की दुआ की हो, कभी आपकी जुबान पर भूल कर भी उनका नाम आया हो? क्या आपने, चलो और उससे आगे बात कहूं मैं, क्या आपने गरीब रिश्तेदारों के मालदार होने की तुमने कभी भूल कर भी दुआ की है? तो बात बहुत दूर जाएगी, ये इस वक्त का मेरा मौजू नहीं है। मैं सिर्फ सीरत के एक मौजू के दरवाजे को थोड़ा खोलकर आगे बढ़ जाना चाह रहा था। तो उसके बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदाने बदर में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से दुआ की। लोग यह समझते हैं, यह तबका वो है उम्मत का जो असबाब का पुजारी है, असबाब का पुजारी, असबाब उसके माबूद हैं, दुकान की वो इबादत कर रहे हैं कि दुकान पाल रहा है उसे, सियासतदानों के हाथ सामने हाथ जोड़े हुए हैं, कोई मंदिर के सामने जाकर सजदा कर रहा है, ये असबाब के पुजारी हैं। असबाब को उन्होंने नफा नुकसान का मालिक समझ रखा है। मुशरिके ने मक्का तो पूजा करते ही थे, ये इल्म के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में लोग फिर वही जहालत के रास्ते पर जा रहे जो हुजूर के आने से पहले लोग पूजा करते थे। असबाब को इतना बढ़ा दिया, असबाब को उसके दर्जे से उठाकर उन्होंने असबाब को इतना बड़ा दर्जा दिया कि उसे नफा नुकसान का मालिक समझ बैठा। और बाजों ने असबाब को इतना नजरअंदाज किया, ये दोनों बेएतदाली के शिकार हैं। असबाब का इख्तियार करना यह तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, असबाब तो आपको इख्तियार करने पड़ेंगे, लेकिन असबाब इख्तियार करके ये बहुत बड़ा मजमा उम्मत का दुआ की जरूरत को नहीं महसूस करता है। इसीलिए जब भी दीन का काम करने, मस्जिद मदरसे का काम करने का नंबर आता है तो मशवरे में चंदे की बात आती है। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मेरे किसी बात को आप ये ना समझे कि मैं किसी खास आदमी के बारे में बोल रहा हूं, ये मेरी बात पूरे मुल्क में जाती है, हर बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है और इसीलिए मैं मोहताज गुफ्तगू करने का आदि हूं, इसलिए कि ये बातें आजकल हुकूमत भी रिकॉर्ड कर रही है। तो मैं कह रहा था मेरी ये बात ना किसी खास मस्जिद के साथ है, ना किसी खास मदरसे के साथ है, ना किसी खास फर्द के साथ है, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ये बहुत नाजुक मनसब है। और मैं आप हजरात के सामने छोटा होने के बावजूद सीरत का एक तालिबे इल्म होने की वजह से अर्ज कर रहा हूं, जब भी मशवरा किया जाता है मस्जिद मदरसे के काम की बात की जाती है
तो वहां सबसे पहले यह बात आती है कि भाई चंदा कैसे होगा। मैं मना नहीं करता, चंदा करो, जायज हुदूद में रहकर हलाल और हराम की तमीज करते हुए अपनी गैरत को, अपनी वकार को धक्का लगाए बगैर अपनी जरूरत का इजहार करना, यानी मस्जिद मदरसे की जरूरत का इजहार करना, इज्तिमाई जरूरतों का इजहार करना, ये कोई गलत बात नहीं है। यहां तक इस्लाम गुंजाइश का रवादार है, लेकिन सारी तवज्जो का मरकज चंदे को बनाकर नमाजों से गाफिल हो जाना और दुआ की जरूरत को नजरअंदाज कर देना कि भाई दुआ के बगैर, दुआ की तरफ जाता ही नहीं जहन, नमाज की तरफ जाता ही नहीं जहन। सारा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी काम करने का ये आया तो क्या हुआ, जब हुजूर ने यह फैसला किया कि मुझे काम करना है तो हुजूर ने क्या किया, हुजूर ने यही किया कि जाकर अपना लौ अल्लाह से लगाया। दुआ की गारे हिरा में और मैदान बदर में भी एक अरीश यानी छप्पर झोपड़ी एक टीले पर बनाई गई, वहां सारे मैदान में हुजूर ने जाकर के एक कायद और जनरल की हैसियत से हुजूर ने सफे सफ सफों सब बंदी की का इंतजाम किया। इस पर मुस्तकिल किताबें पढ़ने के काबिल हैं, पढ़ने के काबिल हैं कि हुजूर नबी होने के साथ साथ हुजूर मैदान जंग के कितने माहिर कायद और रहबर थे, वो एक मुस्तकिल मौजू और टॉपिक है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। उसको करने के बाद हुजूर वापस लौटे, साथ में सिद्दीक के अकबर हैं और एक सहाबी हुजूर की झोपड़ी के दरवाजे पर निगरानी कर रहे हैं, इसलिए कि मैदान जंग है ताकि कोई अचानक हमला ना कर दे। और झोपड़ी में सिद्दीक के अकबर हैं और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, तो दुआ में लगे हुए हैं, दुआ के अल्फाज तक उसमें जो है मौजूद है। दो बातें गौर करने की है, यह क्या कि हुजूर दुआ कर रहे हैं, या हय्यू या कय्यूम, ए जिंदा, ए आसमानों को थामने वाले, जमीनों आसमानों के थामने वाले, ये तो हुजूर दुआ कर रहे हैं, रो कर गिड़गिड़ा कर बेखुद हो जाते हैं और मुस्तरीबाना कैफियत है, गिड़गिड़ा कर जो हुजूर दुआ कर रहे सर सजदे में है, यही दुआ है। तो दुआ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, दुआ ये मोमिन का हथियार है। हमारे हजरत की मुस्तकिल किताब है, दुआ मोमिन का हथियार है। इस मौजू पर एक किताब है हमारे हजरत की, उर्दू में छोटा सा रिसाला है, पढ़ने के काबिल है। दुआ सहारा है, जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो दुआ सहारा देता है। आदमी इधर पुकारता है उधर सुन ली जाती है। अल्लाह जिंदा है, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मुख्तार कुल है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अब उसके दरबार में अल्लाह सोते नहीं, अल्लाह ऊँगते नहीं, अल्लाह के ऑफिस का कोई वक्त मुतय्यन नहीं, 24 घंटे जब चाहे पुकारो और चाहे जोर से पुकारो चाहे आहिस्ता पुकारो, 24 घंटे अवेलेबल। उसके खजाने हर किस्म की चीजों से भरपूर है, भरपूर है उसका खजाना। तो दुआ कर रहे हैं हुजूर दुआ। और दूसरा गौर करने की बात यह है, हुजूर दुआ में एक अजीब बात का हवाला दे रहे हैं। हवाला यह दे रहे हैं कि ऐ अल्लाह, इस सहाबा की जान निसारों की जमात को तेरे सामने हवाले के तौर पर पेश करने की जुरात करता हूं। अल्लाहु अकबर, अपने किसी अमल का हवाला नहीं, यह फरमाया अल्लाह तूने मुझसे मदद का जो वादा फरमाया है, ए अल्लाह उसे उसे पूरा फरमा। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा नसरू का, ए अल्लाह तेरी मदद की जरूरत है, बार बार कह रहे हैं अल्लाहुम्मा नसरू का, अल्लाहुम्मा नसरू का, ए अल्लाह तेरी मदद की जरूरत है। और तीसरा फरमाया, ये जो जमात मेरे साथ लाया हूं, ये जान निसारों की जमात है, सहाबा की जमात का हवाला दिया जा रहा है। तो कितनी जान निसार जमात होगी, कितनी मुखलिस जमात होगी सहाबा की, अजीब जमात थी सहाबा की,
مخلصین کی جماعت تھی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے جس طرح نبی کا سلیکشن ہوتا ہے اسی طرح نبی کے ساتھیوں کا بھی سلیکشن ہوتا ہے. لوگوں نے ان کو عام انسان سمجھ لیا, میں بھی انسان صحابی بھی انسان. توبہ توبہ توبہ, یہ حضور کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے, سلیکشن ہوا ہے حضور کے صحابہ کا. ان جان نشانوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی, اگر آپ نے اس آج اس چھوٹی سی جماعت کی مدد نہ کی تو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ اس روئے زمین پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. حضور اس کے جائے وہ یہ کر رہے ہیں, اس جماعت کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ بڑی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. یہ تو ہو گیا جنگ بدر کا واقعہ, بہت تفصیل سے میں نے اس سے پہلے بھی اسے بیان کیا ہے. دوسرا ایک اور بات عرض کرنے جا رہا ہوں, حلف الفضول کا سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے. یہ کیا بلا ہے حلف الفضول؟ یہ تجارت کرنے والا مکے میں آیا, باہر کا آدمی, ملک شام سے چیزیں لائی جاتی تھی اور ہتھیار بھی لا کر کے بیچے جاتے تھے, اس لیے کہ پورے حجاز میں ہتھیار بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں تھا. ملک شام سے ہتھیار لائے جاتے تھے, مختلف چیزیں کھانے پینے کی بھی لائی جاتی تھی. آس بن وائل نے اس سے چیزیں خریدی اور پیسے دینے سے انکار کیا, دادا گیری کی جیسے آج بھی ہوتی ہے دادا گیری. تو اس نے مکے کے سرداروں کو غیرت دلائی کہ دیکھو مجھ پر ظلم ہوا ہے, آپ میری مدد کیجئے, آپ میری مدد کیجئے. جب قوم مظلوموں کی آواز پر توجہ نہیں دیتی ہے, میں نے تفصیل میں جانا چاہتا پھر انشاءاللہ کسی کو موضوع بنا کر بات کریں گے. جب قوم مظلوموں کی آہ اور ان کی آوازوں پر توجہ نہیں دیتی ہے تو ظالم کا رخ ان کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ ظلم کا ذرا مزہ چکایا جائے. جیسے روزہ رکھوا کر غریبوں کے بھوک کا اندازہ کروایا جاتا ہے تو جو لوگ مظلوموں کی آواز پر توجہ نہیں دیتے, ان کو ظلم سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کرتے, ظلم کی رخ کو ان کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. تو اس پر ظلم ہوا, اس نے آواز لگائی میری مدد کی جائے, مجھ پر ظلم ہوا ہے, میری مدد کی جائے, میرے اوپر ظلم ہوا ہے. ہر معاشرے میں کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی اس چند زندہ ضمیر لوگوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی, اس میں حضور بھی شریک ہوئے. بلانے والے کافر تھے, اسی کی طرف توجہ دلانا ہے مجھے. مسلمان متقی پرہیزگار تہجد گزار نہیں تھے, معاملہ ملت کا تھا, معاملہ عقیدے کا نہیں تھا, معاملہ نماز کا روزے کا نہیں تھا, معاملہ ملی مسائل کا تھا, ملت سے تعلق رکھنے والے مسائل کا تھا. میں اس پہلو کو زیادہ نہیں کھولنا چاہتا. تو بلایا گیا تو حضور بھی شریک ہوئے اس میں.
यह मामला हुआ, माहिदा हुआ कि अगर किसी पर जुल्म हो तो हम सब मिल करके उस मजलूम को जुल्म से आजाद कराएंगे और उसका हक दिलाएंगे। हुजूर ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, उनसुर अखा का जालिमा व मजलूमा, अपने भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। साहबा ने पूछा, सरकार मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, जालिम की मदद करने का क्या मतलब है? हुजूर ने फरमाया, जालिम को जुल्म से रोक लो, यही जालिम के हक में मदद है। यह हुजूर ने फरमाया। तो एक तरफ तो यह मामला है, जब मसला आता है मिल्लत के मसाइल का, खाना खिलाने का, पानी पिलाने का, सैलाब का, जलजले का, आंधी का, जब आता है फसादात का, उसमें घर जला दिए जाते हैं, कारोबार को आग लगा दी जाती है, उसमें जो है वो जुल्म किया जाता है, जाने ले ली जाती हैं, जदें लूटी जाती हैं। अब यह नहीं देखा जाता कि मरने वाला मुसलमान है, मजलूम या गैर मुस्लिम है, यह नहीं देखा जाता। जिसका जिसकी दुकान जलाई गई है वो ईसाई है यहूदी है, ये नहीं देखा जाता। मजहब से ऊपर उठ के इस्लाम रवादारी का कायल ही नहीं पुरजोर दाई है, कायल ही नहीं पुरजोर दाई है कि मिल्ली मसाइल में हम मजहब से ऊपर उठकर खिदमत करने की दावत देते हैं। लेकिन जब मसला आता है अकीदे का, यह मुआहिदा हुआ उसी वक्त यह भी चल रहा था, सरकार ने कहा यह एक अल्लाह है उसके अलावा कोई नहीं, तो सारा वतन बरादरी मुखालिफ हो गई और कहा कि भाई ये रोजाना का झगड़ा, बाप अलग बेटा अलग घर में झगड़े, इसलिए ऐसा करेंगे, समझौता करेंगे, समझौता अकीदे पर समझौता करेंगे। क्या समझौता? भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो, इसीलिए मैं कहा करता हूं कि लड़ाई झगड़े के बगैर भी कोई जिंदा जिंदा हुई है, लड़ाई झगड़े के बगैर कभी कोई जिंदा जिंदा नहीं हुई, टक्कर लेनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है। हुजूर के एक एक हर्फ की हिफाजत करने के लिए जान की, इज्जत आबरू की, अपने ओहदों की, अपने मनसब की, अपने ड्यूटी और नौकरियों की कुछ दाव पर लगा देना पड़ता है, फाकों को, गरीबी को सीने से लगाना पड़ता है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी पस मंजर में जेल में जाना पड़ा। आप कहेंगे जेल, शेबे अबी तालिब, आप जाएंगे देखेंगे मक्के में, किसी को पूछ लो माहिर को, शेबे अबी तालिब कहां है? यह हुजूर के जमाने की जेल थी, जेल। सरकार भी उस जेल में 3 साल रहे। इसका मतलब यह है कि एक नबी भी जेल को जा सकता है। हजरत यूसुफ जेल को गए, जब हुकूमतें, जब हुकूमतों की नीयतें बिगड़ जाती हैं, मुखलिसीन नरगे में आ जाते हैं, मिल्लत के वफादारों पर जमीन तंग कर दी जाती है। मुसलमानों, ये बात गैर मुस्लिमों को समझाने के लिए नहीं, मुसलमानों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जब ऐसे हालात उम्मत के मुखलिसीन पर आते हैं तो लोग हुकूमत की नीयत पर शुबा करने के बजाय वफादारों वफादारों की नीयतों पर शुबा करने लगते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। तो मैं कह रहा था जब अकीदा का नंबर आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसीबत को अपने सीने से लगाया, गले से लगाया। ओ नादानों, अकीदे के सौदे के लिए किसी कीमत पर मजबूर नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो हिजरत करनी पड़ी, इसीलिए तो मार खाने पड़े। तो इससे पता चला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की, इसीलिए तो हिजरत की थी कि अकीदे का अकीदा, अकीदे पर मैं बाकी रहकर वहां सुकून और इत्मीनान से ना इबादत की जा सकती थी, ना दावत का काम किया जा सकता था। घर को छोड़ा, कोई अपने बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, जो पूरी जिंदगी की कमाई ही पूंजी सरमाया था, सबको खैर बात कह करके मदीने की तरफ जाना। उस पस मंजर में उस वक्त की जो सिचुएशन रहे, सूरत हाल है आपको मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमा अर्ज करूंगा कि हिजरत किस नाजुक मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई।
اور کیا تفصیلی واقعات پیش آئے، اور اللہ کی غیبی مدد نے سرکار کو کیسا اپنے جو ہے وہ حفاظت میں لے لیا، پھر میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔